Hi little kids, good morning and welcome back to our class. Before we start our class, let's have a prayer. So all of you stand up, join your hands, close your eyes, be ready for the prayer. Thank you God for the word so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. Yes, now welcome back to our maths class. Children, today we are not going to do any new topic. Why? Because today we are going to do revision of first semester syllabus. जो भी सिलेबस हमने किया है मैथ्स में वो आज हम करेंगे. ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, व्हाट वी हैव डन, नंबर्स 1 to 100. सबको आता है ना 1 to 100 लिखना? यस. नाउ दूसरा क्या है, मिसिंग नंबर, काउंट एंड राइट, काउंट एंड मैच, काउंट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर, राइट आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर एंड बिटवीन नंबर, बैकवर्ड काउंटिंग 50 to 1 एंड नंबर नेम 1 to 10, यानी स्पेलिंग्स 1 to 10. ये सब आपका सिलेबस है. अभी मैम आपको एक एक करके एक्सप्लेन करके दूं. ओके स्टूडेंट, सो लुक हियर स्टूडेंट, फर्स्ट वन इज नंबर्स, नंबर्स 1 to 100, 1 to 100 राइट नंबर्स. ओके, राइट नंबर्स 1 to 100 दिया होगा और इस तरह से कॉलम होगा. ओके, छोटे छोटे ठीक है. सो यहां पे 1 होगा और यहां पे 100, यानी 1 से 100 के बीच में से कोई भी नंबर आपको दे देंगे. तो इस तरह से कॉलम होगा, तो ऐसे कॉलम ऐसे टच करके आपको लिखने का है, इस तरह से लिखने का 1 2 3. डोंट राइट लाइक दिस वे, इस तरह से नहीं लिखेंगे. ओके, दिस इज रॉन्ग, यू हैव टू राइट स्ट्रेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इस तरह से आपको लिखने का, जान कौन सा नंबर से कौन सा नंबर तक दिया हुआ है वो लिखना है. ओके स्टूडेंट, नाउ सेकंड क्वेश्चन, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर में इस तरह से डैश करके देंगे, यानी विच नंबर इज दिस, 11, 11 आफ्टर, यस 12, सॉरी 11 आफ्टर 12, 12 आफ्टर 13, 14 दिया हुआ, देन 14 आफ्टर, यस 15, 15 आफ्टर 16, 17, 18, 19, 20. ओके, कोई बच्चे यहाँ पे 20 दिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देता है, 21. नहीं, आपको पहले से काउंट करने का, फर्स्ट नंबर क्या है जो भी लिखा होगा वो नंबर से आपको काउंट करना है. तो अभी मैम ने यहाँ पे 11 लिखा, 11 आफ्टर 12, 13, देन नंबर दिया हुआ है 14, 14 आफ्टर 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके, ना आफ्टर नंबर, आफ्टर राइट द
राइट आफ्टर बिफोर एंड बिटवीन नंबर. तो क्वेश्चन ए आफ्टर नंबर. ओके, तो अभी फाइव आफ्टर यानी फाइव के बाद जो नंबर आते हैं वो नंबर आपको लिखना है. फाइव आफ्टर सिक्स, टेन आफ्टर इलेवन, ट्वेंटी एट आफ्टर ट्वेंटी नाइन. ओके, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे आपको, वो नंबर्स देके, बहुत सारे नंबर्स देंगे, वो नंबर आपको देख देख के आपको लिखने का. जो आपकी राइट साइड में डैश होगा उसको आफ्टर, यानी जो नंबर दिया गया उसके बाद में जो जो नंबर आता है वो आपको लिखना है, उसको आफ्टर नंबर बोलते हैं. ओके, ना बी बिफोर नंबर. बिफोर नंबर में क्या है, पहले डैश आएंगे फिर नंबर आएंगे. ठीक है, चलो एट से पहले कौन सी नंबर के बाद एट आता है वो आपको लिखना है. तो एट से पहले तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. तो एट से पहले कौन सा नंबर आया, सेवन. ना ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव से पहले ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव. तो क्या आया, ट्वेंटी फोर. ना थर्टी टू से बिफोर, थर्टी टू, थर्टी वन, थर्टी टू. तो कौन सा नंबर आया, यस थर्टी वन, उसको बिफोर नंबर. ना क्वेश्चन सी बिटवीन नंबर. एटीन, एटीन एंड ट्वेंटी, ट्वेंटी के बीच में क्या आएंगे, यस एटीन आफ्टर नाइनटीन. ना थर्टी थ्री आफ्टर थर्टी फोर, थर्टी फाइव, सिक्स आफ्टर सेवन एट. इस तरह एक से क्वेश्चन बहुत सारे नंबर्स देंगे आपको देखने का. अभी यहाँ पे डैश है तो उसको आफ्टर नंबर बोलते हैं, अगर पहले डैश दिया है उसको बिफोर नंबर, एंड बीच का है तो उसको बिटवीन मिडिल नंबर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट काउंट एंड राइट. काउंट एंड राइट तो सबको आता है ना, हाउ टू काउंट, यस जो दिया गया पिक्चर है उसको आपको काउंट करना है. तो फिंगर रह के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, जो नंबर आया वो नंबर आपको ये बॉक्स में लिखना है. यू हैव टू राइट द नंबर इन दिस बॉक्स. काउंट एंड मैच. काउंट एंड मैच में क्या होता है, एक साइड में पिक्चर्स दिया हुआ है एंड अनदर साइड नंबर्स आर गिवन. सो फर्स्ट यू हैव टू काउंट द पिक्चर, हाउ मेनी बॉल्स आर हियर, वन. एंड यू हैव टू सर्च वेयर इज नंबर वन इन अनदर साइड. तो वेयर इज नंबर वन, यस, एंड ड्रॉ ए लाइन, वन टू थ्री. वेयर इज नंबर थ्री, यस, नाउ ड्रॉ ए लाइन. Flowers, one, two, number two. This is called count and match. Now count and circle. Count and circle the correct number. Count and circle the correct number means बहुत सारे pictures देंगे, यहाँ पे column में numbers दिया हुआ है, okay? अभी ये जो picture जो आपको count करना है, वन टू थ्री फोर. अभी फाइव सिक्स फोर दिया हुआ है, तो फोर काम पर है, उस पर आपको इस तरह से circle करना है. Now student, next is backward counting 52-1. Okay, backward count means उल्टा count करना है, 50 से लेके 1 तक, यानी सबसे बड़ा number से लेके सबसे छोटा number तक. अभी जो भी number इधर दिया है वो number आपको यहाँ पे लिखना है,
यानी यहाँ पे मैम ने लिखा है 52 अंक, तो यहाँ पे 50 है, तो 50 आफ्टर यस 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, यस, फिर वहाँ पे 40, फिर उधर से छोटे आएंगे तो यहाँ पे 30, 30 से फिर 31, फिर यहाँ पे 20, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1. ओके स्टूडेंट, ये तो आपको पता ही है किस तरह से लिखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट नंबर नेम. नंबर नेम मीन्स व्हाट? स्पेलिंग. वेरी गुड. तो हमने जो जो स्पेलिंग सीखा, कहां तक सीखा हमने? यस, 1 to 10. तो वो 1 to 10 में मैम कोई भी नंबर पूछ सकते हैं आपको. राइट द स्पेलिंग ऑफ एज, तो आपको एज का स्पेलिंग लिखने का, ई आई जी एच टी एज. ओके, अभी 10, तो 10 एंड डैश देंगे, तो वो डैश के ऊपर आपको 10 का स्पेलिंग यानी नंबर नेम, 10, टी ई एन 10. कौन सा नंबर है ये? 6, एस आई एक्स 6. ऐसे बीच बीच में से कोई भी नंबर दिया होगा, वो नंबर दे के आपको उसका नाम लिखना है यानी उसका स्पेलिंग लिखना है. ओके स्टूडेंट, ये सब थे आपके सिलेबस. अब आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना है और एग्जाम लिखना है. जो क्वेश्चन पेपर हम आपको भेज देंगे उसमें आपको अच्छा हैंड राइटिंग से लिखना है. सो ऑल द बेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू, बाय बाय.